अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद की युवा इकाई द्वारा मासिक भंडारे का आयोजन कचेरी परिसर में किया गया। भंडारे का शुभारंभ अच्युतानंद महाराज के चित्र के सम्मुख भोग लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रमुख रूप से युवा इकाई के अध्यक्ष अमित शर्मा राजू, महामंत्री शरद कौशिक एडवोकेट तथा प्रवीण शर्मा एडवोकेट कोषाध्यक्ष का योगदान रहा। भंडारे की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के भंडारे समाज में समरसता, प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। इसमें हर व्यक्ति, चाहे वह बड़ा है या छोटा, धनी है अथवा निर्धन, सबको समान रूप से भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिन शंखधार, जेसी शर्मा, भगवान दास शर्मा, विशाल शर्मा, विशाल शुक्ला, राघव शर्मा, गोपाल शर्मा, दिनेश चंद्र पाठक एडवोकेट, सिद्धार्थ शर्मा आदि प्रमुख रूप से रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी जो युवा इकाई है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद की युवा इकाई, जिसके अध्यक्ष श्री अमित शर्मा राजू जी, महामंत्री श्री शरद कौशिक जी एडवोकेट और कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा जी एडवोकेट हैं, इन सब के सहयोग से और सौजन्य से दूसरा सार्वजनिक भंडारा यहाँ पर कृष्ण कुंज में आयोजित किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम श्री 1008 अच्युतानंद जी महाराज जी की कृपा से हो रहा है। उन्हीं के पूरा आशीर्वाद इस कार्यक्रम में मिल रहा है। इसमें जितने भी यहाँ पर कचहरी परिसर में आने वाले व्यक्ति हैं, महानुभाव हैं, और साथ ही साथ अन्य व्यक्ति भी जो हैं, उनके लिए बहुत सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस प्रसाद वितरण में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रखा जाए। ये भंडारा इस उद्देश्य से भी है कि जिससे कि समाज में समरसता, एकता, भाईचारा का भाव पैदा हो और जो ज़रूरतमंद हैं वो इस प्रसाद को ग्रहण कर लें। हमारी ये एक योजना है जिसमें हम पहले तो हर महीने एक भंडारा आयोजित करेंगे और फिर अगर ईश्वर की कृपा और अच्युतानंद जी महाराज की कृपा रही तो हम इसको प्रत्येक 15 दिन में इसको आयोजित किया करेंगे। इसमें हमारे श्री राघव शर्मा जी आदि का भी बड़ा भारी योगदान रहता है। सर, ये भंडारा किस समय तक चलेगा? ये भंडारा का शुरू होने का समय होता है, चलेगा जब तक कि यहाँ पर प्रभु की इच्छा है, जब तक सब हमारे पास खाद्य पदार्थ मौजूद है।